हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा अमेजन पे में बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अमेजन ऐप को ओपन कर दिया। अमेजन ऐप को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले अमेजन पे में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अमेजन पे में क्लिक कर दिया। अमेजन पे में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा अमेजन पे UPI एंड उसके नीचे गेस्ट स्टेटस यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे गेस्ट स्टेटस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप दोस्तों गेस्ट स्टेटस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐसा पेज ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बैंक को यहाँ पे चूज करने का बोलेगा कि कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है, वो वाला बैंक आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा बैंक अकाउंट दोस्तों यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे चूज कर लूंगा, ठीक है। जैसे आप दोस्तों बैंक अकाउंट यहाँ पे चूज कर लोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आपके बैंक अकाउंट में जो भी फोन नंबर है वो फोन नंबर कौन सा सिम में है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। चूज करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप दोस्तों प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके दोस्तों फोन से एक मैसेज यहाँ पे अपने आप चला जाएगा एंड दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है वो दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दोस्तों मैं देख सकते हो यहाँ पे मैसेज अपने आप यहाँ पे चला गया एंड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों मेरा इस नंबर से जो भी बैंक अकाउंट है वो दोस्तों यहाँ पे अपने आप यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। एंड दोस्तों जो थर्ड स्टेप है वो भी यहाँ पे राइट हो गया क्योंकि दोस्तों मेरा ऑलरेडी UPI पिन है, ठीक है। अगर दोस्तों आपके UPI पिन नहीं है तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में आप दोस्तों UPI पिन क्रिएट कर लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे बस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आप दोस्तों जब चाहो तब दोस्तों बैंक से पैसा यहाँ पे अमेजन पे में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अमेजन पे UPI के अंदर यहाँ पे दोस्तों बैंक अकाउंट यहाँ पे नीचे शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं चाहूँ तो यहाँ पे बैंक बैलेंस यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ, यहाँ पे चेक बैलेंस में क्लिक करके, ठीक है। एंड दोस्तों एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मेरा बैंक अकाउंट के एकदम नीचे यहाँ पे दोस्तों अमेजन पे का जो UPI ID है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। मतलब दोस्तों बैंक अकाउंट जब तक आप ऐड नहीं करोगे तब तक आपका अमेजन पे का UPI ID क्रिएट नहीं होगा। जब आप बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर लोगे तो आपका अमेजन पे का UPI ID अपने आप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों इस UPI ID को यूज करके आप दोस्तों जब चाहो तब अपने बैंक से पैसा यहाँ पे सेंड कर सकते हो एंड दोस्तों पैसा रिसीव भी कर सकते हो अपने बैंक में, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों बैंक अकाउंट ऐड करते हैं अमेजन पे में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।